अगर शादी का फैसला किया, शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और अगर तुम पढ़ाई के बीच में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो तो वो तुम्हारा वो वाला नहीं होगा ख्वाब, जो शहजादियों वाला ख्वाब होता है ना, मेरी शादी होगी तो फैंटेसी होगी, शादी इज नॉट अ फैंटेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मुझे बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे इनके हालात को देखते हुए, जो मैं अब सब बच्चियों को भी कहती हूँ और मैंने अपने बच्चों के साथ भी, अपने बेटे के साथ भी, अबू के साथ, उनको भी यही बोला कि शादी में ना एक्स्ट्रा खर्चा ना करवाएं पेरेंट्स का, वो जो भी आपको देना चाहते हैं वो एक कैश अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दें, लेके मतलब आप बोले आप जोड़ा ना लें महंगा, क्योंकि देखिए शादी का जोड़ा आप एक ही दफा पहनते हैं, अच्छा हो ठीक है, प्रेजेंटेबल हो, लेकिन बहुत महंगा नहीं हो, आप एक्स्ट्रा कपड़े नहीं बनाए क्योंकि शादियों के कपड़े भी कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा जेवर ना बनाए, आजकल आपको वैसी फेक ज्वेलरी इतनी अच्छी मिल जाती है, तो आप वो सारे पैसे बचा के अपने अकाउंट में उसको फिक्स करवा दें कि उससे मंथली आपको कुछ मिलता रहे, जो आपकी शादी पे बहुत बड़ा वो ना करें कि 500 लोग और 600 लोग और 1000 लोग, नहीं तो थोड़ा, अगर हम वैसे हर चीज में सुन्नत सुन्नत करते हैं तो अगर हम इस चीज में थोड़ा, और ये अगर इनको ये डर भी है कि इनके रिश्तेदार जो हैं जिनके आगे अभी ससुराल ये बोले जा रहा है, तो तुम कम से कम लोग बुलाओ, करीबी लोगों को बुलाएं, और क्या, बस पैसे अपने जो है ना वो आपके सेफ करें, अम्मी अब्बू के पैसे भी सेफ करो, ससुराल वालों के भी सेफ करो, उनको भी बोलो, उनको ये आधा अच्छी लगे, और उनको भी ये बोलो कि ये नहीं वो कहें कि हमारा खर्चा करवा रहे हैं और खुद खर्चा नहीं कर रहे, आप उनको भी, आप लोग भी नहीं करें, आप लोग भी ना करें, कोई आप उनसे डिमांड्स नहीं करें कि एक सबसे हमारे यहाँ एक और डिमांड होती है बड़ी अजीब, लोग कहते हैं सिक्योरिटी है, बट मैं उसको बिल्कुल बिलीव नहीं करती, सिक्योरिटी हक में हक पे जो लोगों के यहाँ फसाद होता है कुछ भी वो बड़ा गलत है, कोई फायदा नहीं, अगर आपका घर नहीं बचा तो हक मेहर का आपने चाट आपने चाटते हैं बैठ के, तो आप कितना खा लेंगे, भाई हमारा 22 साल पहले 2.5 लाख रुपए हक मेहर था, तो अब मैं क्या करूंगी उस 2.5 लाख, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, सुनो मेरा तो 30 साल पहले 50,000 था, 50,000 और वो भी कैसे ना आहिस्ता आहिस्ता करके दे दिए, कहते रख लो भाई मेरे पे जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मतलब खैर एक मूड है, लेकिन 50,000 या 2.5 लाख तो यासिन ने उधार चढ़ा लिए मुझ पे, वो उधार दे रहे उसने मेरे, नहीं वो बेचारे ने सारी जिंदगी हमें कमा के खिलाना है, नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वैल्यू नहीं, ये नहीं पैसे वगैरह, हाँ, उसको मैं बिलीव नहीं करती, अब उस लड़के के पेरेंट्स भी जो है वो उनको जो भी अपने बेटे को देना है वो उसके अकाउंट में डाल दें, सेविंग करें, आप लोग पैसे सेव करो, हाँ।